अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे। अच्छा, आज के ब्लॉग का स्टार्ट रात से हो रहा है क्योंकि हम लोग को रात को भूख लग रही थी, तो हमने भाई को बोला हमें ले जाओ अंडे वाला बर्गर खाने के लिए। वो अलग बात है कि काफी लोग मुझे अंडे वाला बर्गर पहले से ही कहते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है मैं कौन सा बन गई हूँ। आज हम लोग इतने दिन बाद अंडे वाला बर्गर खाने आए हैं और मुझे इतना पसंद लगता है ये, मैं क्या बताऊँ। हम लोग जब अकेडमी जाते होते थे ना, तब अंडे वाला बर्गर 50 रुपये का होता था और हम लोग इतने अंडे वाले बर्गर खाते होते थे, क्या बताऊँ। इसके बाद मैंने थोड़े से फ्राइज खाए और हम लोग ना वापस आ रहे थे, तो मुझे रास्ते में अंकल नजर आए, उनके पास गजरे थे। गजरे मुझे इतने पसंद लगते हैं मैं बता ही नहीं सकती। ठीक है, मैंने अपने लिए गजरा ले लिया और जी उसके बाद हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद जी हमने कुछ ऑर्डर्स पैक किए। ये मैं नहीं पैक कर रही थी, मेरी छोटी बहन पैक कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं उसे बता रही थी तो वो साथ साथ पैक कर रही थी, और इतना कचरा इसलिए फैला हुआ था। कुछ ऑर्डर्स पैक हो गए थे, कुछ रह गए थे क्योंकि मेरे बॉक्सेस खत्म हो गए थे। खैर, सुबह हुई और मैंने नाश्ता वगैरह किया और आज हम बनाएंगे एक पेंटिंग, बैकग्राउंड बनाएंगे उसका और थोड़ा बहुत ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपने देख लिया होगा इनकम्प्लीट रह गई थी। हम यहाँ से अपने पेंट्स वगैरह उठा लेंगे और मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग एक्राइलिक्स यूज करते हैं जो कैनवस पेंटिंग के लिए। ठीक है, आप लोग पूछ रहे थे ना, इस वजह से बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने पेंटिंग ब्रशेज ले लिए, फ्लैट ब्रशेज लिए मैंने दो, एक मोटा वाला। ये देखो मक्खियाँ, उस दिन मक्खियों ने इतना तंग किया मुझे और आज मक्खियाँ फिर तंग करने आ गई। ये ब्लू बर्ड का गंदा पेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, लिटरली ये इतने मोटे मोटे इसमें कुछ बन जाते हैं और ये मिक्स होता ही नहीं है, इतना ढीठ। अब देख लो इसको, मैंने इतना पानी भी ऐड किया, आप पानी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते जितना आपने उसको ना डाइल्यूट करना हो। अब जो भंड हुआ है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये खुश्क हो गया, इसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसके हाल देखो, ये ऊपर से इसकी उतर रही थी, स्किन नहीं जैसे उतरती, और ये मैंने कहा ये तो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने ऑर्डर पर बनाना था, तो मैंने कहा हम नया कैनवस लेके आते हैं। ये मेरे पास अंदर पड़ा हुआ था लेकिन इसका साइज उससे डिफरेंट, इसलिए मैंने पहले ये यूज नहीं किया, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत फिट है। ठीक है, हाँ आ ही गए हैं, तो आपको थोड़े से अपने प्राइजेस दिखाती हूँ, मेरे और मेरे बहन भाइयों के छोटे छोटे होते के पड़े हुए हैं। अच्छा खैर, अब आके हम इसको, इसकी शीट वगैरह रिमूव करेंगे। और मैं बता रही हूँ, जो बिगिनर्स है ना, वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्राइलिक्स लें, पता है ना बहुत महंगे होते हैं। आप इस तरह का कोई सेट ले लो, ठीक है, 24 थे ये शायद ना, मैंने ये काफ़ी पहले लिया था, मुझे सस्ता काफ़ी मिला था, मेरी इसकी आई है अभी। और आप एक वाइट तो लाजमी ले लो, बेसिक कलर्स ले लो जैसे वाइट, ब्लैक, ब्लू, ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और मक्खियाँ देखो मुझे इतना तंग करी थी, कसम से क्या बताऊँ। अच्छा, मैं बता रही थी आपने शुरू में बिल्कुल भी किसी को देख के अगर आप आर्ट वगैरह स्टार्ट करें ना, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देने। अपनी थोड़ी सी चीज़ें लें इतनी कि जिससे आप एक दो दफ़ा पेंटिंग करें, आपको पता चलेगा अगर आपको आगे करना है कि नहीं करना है। आप 10-20 हज़ार के सामान ले लें और वो वेस्ट जाता है, ठीक है, अगर आपका दिल नहीं लगता उसमें। एक दो कैनवसेज ले लिए, एक दो पेंटिंग ब्रशेज ले लिए, कुछ कलर्स ले लिए, ट्राई किया, अच्छा लगा तो और ले लिया, ये नहीं कि एक दफ़ा ही लेके रख लो। इतने में हमारी ये ना बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये इस तरह से ही बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट था, मैंने बस मुझे जो अन्य वहाँ नजर आया मैंने वो बनाती गई। उसके बाद जी मैंने अपना सामान चुका वहाँ से और मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि बारिश आने वाली थी, अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन बारिश तो आई नहीं। मैंने कहा चलो छत पे चले जाते हैं, मैंने अपनी काफ़ी चीज़ों का ना फोटो शूट करना था, अपने लिप ग्लॉसेस वगैरह का जो मैंने नए ऐड किए हैं अपनी शॉप में। ऊपर में आई, इतनी प्यारी हवा चल रही, मैंने कहा आज ही वो दिन है जिस दिन मैं फोटो शूट करूंगी आराम सुकून से, वरना तो धूप में मेरा मुंह जल जाता है। लेकिन शाम होने लग गई थी। अच्छा, ये हमारे घर पे भिंडियां लगी हुई छत पे, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। भिंडियां भी लगी हुई, पहले टमाटर लगे हुए थे लेकिन वो कुछ चोरों ने चुरा लिए थे और खा भी दिए थे। कि हमारे छत पे कैमराज लगे हुए हैं लेकिन फिर भी हम उस चोर को नहीं पकड़ पाए। काफी लोगों को 7-Up का ये वाला फ्लेवर नहीं पसंद होता, लेकिन मुझे पसंद होता है क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चीज़ें अच्छी लगती होती हैं। अच्छा, हमने चीज़ वगैरह मंगवा ली थी क्योंकि आज हमने मूवी देखनी थी, और जिस दिन मूवी देखनी हो हमें मूवी मिलती नहीं है पहली बात, तो हमने इतनी ज़्यादा चेंज की। उसके बाद हमने एक ये चूज़ की होम फॉर रेंट, यार इतनी अजीब सी थी ना ये, जैसे जादू वगैरह वाली, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा तौबा, हम तो इतना डर रहे थे। हम लोग फिर रोशनी में आके बैठ गए और ये हमने बिस्किट को बांटा, 3 उसके 3 मेरे। ठीक है, जिस दिन मेरा कोई पार्सल आना होता है ना, मुझे इतनी खुशी होती है उस दिन। और मैंने ना जाके जल्दी से उसको खोल लिया, मैंने कहा देखते हैं। ये मैंने अपनी ज्वेलरी का रिस्टॉक किया था अपने स्मॉल बिजनेस के लिए। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है ज्वेलरी का, ठीक है, ये मैंने उसके लिए सामान मंगवाया। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से मंगवाया, किस तरह मंगवाया, तो इसका सीन जो है ना बहुत लंबा है। आप रैंडम ऐसे ही किसी से नहीं मंगवा लेते, ठीक है, आप पहले जाके देखते हैं, आपको तसल्ली होती है, आप उसके बाद ऑर्डर कर लेते हैं उनसे, और आपको ये खुद करना पड़ता है, कोई आपको बताता नहीं है कि किधर से करना। अब आते हैं जी पेंटिंग की तरफ वापस। अब मैंने पेंसिल से उसको ट्रेस कर लिया था, जो लिखना है आपने आप उसको ट्रेस कर लें, ठीक है। उसके बाद हम ब्लैक एक्राइलिक कलर लेंगे और ब्रश लेंगे, उसकी मदद से हम इसको लिख लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे जो है ना बॉक्सेस खत्म हो गए थे, तो मैंने ना दराज से ऑर्डर किए थे कुछ और बॉक्सेस, ये मैंने दराज से मंगवाए हैं, ठीक है। और अब जी ये मैंने तो खुद ही, पता नहीं ये मैंने किया है या किसने किया है, जब हम एकदम से कोई चीज़ ब्लेड वगैरह मारते हैं ना, तो वो ध्यान किया करें पैकेजेस में अपने, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो दो ही ख़राब हुए थे लेकिन बाकी तो बच गए थे। लेकिन अब हम इसको खोल रहे थे और ये इतने अच्छे थे ना, मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्वालिटी वाइज। और ये मैंने कोई 100 मंगवा लिए थे एक साथ, और ये काफ़ी रीजनेबल भी थे, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया ना वो यूज़ कर सकते हैं। इनका साइज़ ना थोड़ा छोटा है, ये नहीं कि बहुत बड़े बॉक्सेज हैं। अच्छा, मुझे तो ये अच्छे लगे थे, ठीक है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अब ये है कि जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया ना, क्यूट से छोटे छोटे बॉक्सेज यूज़ कर सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े बॉक्सेज होते थे मेरे पास पहले, और उसमें किसी ने एक रिंग ऑर्डर किया तो मैं उसमें भेजी हूँ, वाजी वह एवं इतने पैसे ज़ाया करूँ मैं।
पता है ना कितने महंगे पड़ते हैं एक एक बॉक्स। जिन जो लोग ऐसे ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं उनको पता होगा कि एक बॉक्स कितने का पड़ता होता है। मैंने ये पेंटिंग जो है ना इसके ऊपर, इसका नाम उर्दू में तो लिख लिया था, इंग्लिश में मैंने लिखना था और मैं थक गई थी। मैंने कहा अभी टाइम भी नहीं है, मैंने वीडियो भी पोस्ट करनी है, तो इसको मैं कल वाली वीडियो में कम्प्लीट करूँगी। ओके कल मिलते हैं, ओके बाय।